हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उसके नाभिक में विद्यमान रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। आइए अब हम देखें कि परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह वितरित होते हैं। परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन में वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। एक, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या k कोश में होगी 2×1^2 या 2, दूसरे कक्ष या l कोश में होगी 2×2^2 या 8, तीसरे कक्ष या m कोश में होगी 2×3^2 या 18, चौथे कक्ष या n कोश में होगी 2×4^2 या 32। दो, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। तीन, किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। आप यहां पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था देख सकते हैं। अब तक हमने देखा कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। जिन तत्वों के बाह्यतम कक्ष पूर्णतः भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी संयोजन शक्ति, कंबाइनिंग कैपेसिटी या संयोजकता, वैलेंसी शून्य होती है। इन अक्रिय इनर्ट तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाह्यतम कक्ष को अष्टक ऑक्टेट माना जाता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति, कंबाइनिंग कैपेसिटी अर्थात संयोजकता, वैलेंसी होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता 1 कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? बिल्कुल ठीक, ये क्रमशः 2 तथा 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 तथा एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी हो तो संयोजकता कैसे प्राप्त हो सकती है? इस स्थिति में संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें। फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता
साथ हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है। अतः इसकी संयोजकता अष्टक में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है और इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता वैलेंसी कहते हैं। इस वीडियो में हमने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स के वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में जानेंगे।